हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम अर्ध विराम न लगे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है, दो दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, ठीक है साहब आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, एमओयूज हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैसमिंग के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उसको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में, कि चाइना की कंपनियां आए और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं, सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो निजी निवेश की भी गुजरात में, अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा, प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम के जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या आपकी चीन समर्थन की जो नीति है उस पर कोई पुनर्विचार, गुजरात सरकार कोई कुछ उदाहरण मिलेंगे हमको आने वाले दिनों में कि गुजरात सरकार उस पर पुनर्विचार करती हुई दिखे, क्या ये जो करारनामा हुआ है चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से गुजरात सरकार का धोलेरा की जमीन को लेकर, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, क्या वो करारनामा रद्द होगा, हम ये भी जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि टैबियन इलेक्ट्रिक अपैरेटस जिनजिंग कंपनी जिसके पीएलए से संबंध रहे हो, शिंगशान होल्डिंग ग्रुप, तमाम कंपनियां जिनको आपने विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया गुजरात, क्या इन सब पर, इन सब को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्या कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या आपकी नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं है। जनता जो करना चाहती है कर रही है, जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही है, सब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। धोलेरा में आप चीन के छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए स्थान देना चाहते हैं, उनको आप विशेषता देना चाहते हैं, उनको आप कई बेनिफिट्स देना चाहते हैं, वो भी ऐसे में जब देश का अपना एसएमई सेक्टर त्राही त्राही कर रहा हो, आपको चीन को जमीन देनी है, चीन के साथ करारनामा करने हैं, किसके लिए, चीन के एसएमई के लिए, नॉट इंडियन एसएमई बाय द वे। ये प्रश्न बहुत जायज है और अब ज्यादा जायज हो गया है, ऐसे में जब आपके अपने वक्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जब आप चीन को क्लीन चिट देते हुए सुनाई देते हैं, जब उस क्लीन चिट का चीन सहारा लेता है पूरे विश्व में, ऐसे में ये प्रश्न और ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं।